राज प्रणाम। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्लॉग में। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं फार जोन। और आज है 31st। तो कंफर्म कर पहले, तो आज है 31st दिसंबर 2023 और कल से नया साल लगने वाला है। तो हर समय की तरह इस बार भी हम घर आ रखे अपना नया साल मनाने, रात के लिए रुकने और फिर सुबह सभी के रिस्पेक्टेड काम है। पिताजी अपनी ड्यूटी जाएंगे, पीयूष लाइब्रेरी जाएगा, मेरे को जाना है कॉलेज, सो सुबह जल्दी निकलेंगे। बट अभी के लिए हम आ रखे हैं यहाँ पे घर में। और बाकी अभी चाचा जी और भी आ रखे हैं, चाचा जी के साथ आ रखे हैं सुबी और अंशी, वो जा रखे हैं जरा घूमने दूसरे चाचा के साथ। और बाकी ऋषि का और वर्तिका भी उन्हीं के साथ ही है। तो देखते हैं, अभी पीयूष और मैं शायद जाने वाले हैं उनके यहाँ पे, मिल के आते हैं, नीचे ही जाते हैं जहाँ पर वो है। तो फिलहाल के लिए अभी बुलाता हूँ उसको नीचे और तब चलते हैं हम मैदान की तरफ। तो चाची से जानकारी लेने के बाद पता चला कि वो दोनों खेलने जाने की जिद कर रहे थे। कौन? वर्तिका और ऋषिका। ठीक है, तो वर्तिका और ऋषिका जिद कर रहे थे, तो उसको लेकर सुबह चाचा लेके चले गए उनको अपने साथ। मेरे को क्यों नहीं चला? हाँ, और ये है बड़े भाई। भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हो आप? दादी ये स्टंट मार रहा है, इसको देख, इसको देख क्या। एक काम कर, धक्का दे दे इसको, चले नीचे चल रहा है, चल फिर स्कूटी में। हाँ स्कूटी में चल लेते हैं, बाइक में चल लेते हैं, चलो बाइक में। बैग इधर ले यार। तो चलते ट्यूबवेल जा रखी, ये ट्यूबवेल ही था यार। पापा कौन सा ट्यूबवेल? अच्छा वो तो दूसरा ट्यूबवेल। अरे यार चलो, ये देख 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 ये देख। और इधर तेज का ब्रेक मार रहा हो गए, देखो कैसे ऐसे में पीछे से गाड़ी नहीं ठोकेगी। मतलब हम तुम्हारे पास आ रहे तो तुम इधर भग जाओगे, ज्यादा भीड़ है। बच्चे बोल रहे हमें मत उतारो, बस हमें झूलने दो। नहीं तुम आगे चलो, अब ये क्या कर रहे हो? एक काम कर, उतरना ना, आगे चलिए फिर पैदल पैदल चलो, हमारे साथ घूम के चलो। चलो मतलब तुम खेल खुल के आ गए। अरे इसको तो पकड़ो, ये पीछे कैसे रहेगी, ऐसे रह लेती है। एक बैठ जाओ ना, एक बैठ जाओ, चल ठीक है भाई, घर में मिलते हैं। इसको इसको तो हम चाउमीन खिला रहे थे, जल्दी आना, चल निकल निकल, चल निकल भाग जा। ओ हम ऐसे ठगा रहे थे, चाउमीन खिलाएंगे हम, हमारे साथ ऐसे ही होता है, ऐसे क्यों करते हैं? हम प्रैंक करते ना, हम प्रैंक करते लोगों के साथ, प्रैंक करते हो आप, यही तो बात है हमारे। अरे आपने कहा था वीडियो बनाओगे, कब बनाओगे? कौन सी वीडियो? चैलेंज वाली वीडियो है, चैलेंज वाली। हाँ चैलेंज वाली बिल्कुल अभी बनने वाली है, जल्दी आ रहा हूँ मैं तुम्हारे घर। नहीं आप नहीं आओगे तो पहले को भी आना पड़ेगा, तब आऊंगा मैं। अप्पू तो घूमने जा रहा था। हाँ तो राजस्थान किसने बोला था तुम्हें भेजने? भाई मैंने उसको कहा था, वो सुनता कहाँ है? ये तो गलत बात है, साथ वो मौसी लोग जा रखे ना, तो उनके साथ गया राजस्थान, गलत बात है ना, हमें भी लेके जाना चाहिए था, हमें भी लेके जाना। तो हमने सोचा था कि हम भी खेलेंगे, झूले में झूलेंगे थोड़ा सा, लेकिन तब तक ये यहीं पर आ गए। बताओ ये सब ये गा रहे आप तब से, क्या बोल तो भैया? और तब तक ये यहीं पर आ गए, ये हमें बीच रास्ते में मिल गए, तो इसलिए अब हम वापिस जा रहे हैं। हमारे सारे प्लान पे, सारे किए कराए पे पानी डाल दिया इन्होंने, पर खैर कोई बात नहीं, अगली बार किसी और दिन। चलो घर चलते, यार बाल खराब हो गए, छोटी नहीं दिखते ना तो ऐसा लगता है अजीब सा। चलो इसको बोलते हैं चार दिमाग वाले लड़कियाँ। देखिए ये फालतू वहाँ से पहले घर गई, अब फिर घर से पैदल पैदल भागते भागते आई वापस। नहीं मतलब ऐसी क्या बुद्धि चली तेरी? चौमिन हमने इसको खिलानी नहीं है। नहीं चौमिन के चक्कर में नहीं आई। तो किसके चक्कर में आई थी? तू आई क्यों? तुझे बुलाया किसने? जॉगिंग जरूरी, चौमिन करने तो चौमिन करने आई थी, तेरा जॉगिंग हो गया। जाओ कहीं, चल कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बाकी कैसा लग रहा है आपको अपने गांव में आके? बहुत बढ़िया,
तुम्हारे लिए तो गाँव ही है, गाँव में इतना प्यारा गाँव है, झूले भी है यहाँ पे, झूले भी है, दो चार झूलों में झूल लेंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा। हम तो हर समय KFC में, वो कोई जिंदगी है, वो भी कोई जिंदगी है, वो भी कोई जिंदगी है, कभी पिज्जा हट, कभी पिज्जा हट, बड़ी बड़ी बताओ, ऐसी ऐसी छोटी छोटी लाइफ जी रहे गाँव में, बड़ी लाइफ है। किसने लगाई आग? अरे आग जलाई, लगाना क्या होता है। चलो आग लगाते घर में, आग जला दी, आग लगा दी, एक काम करते आग लगा देते, ये बोल रहे तो हनुमान है जो उनको लेने जा रही। चलो हम आग लगाने आ गए, तेरे बगैर तो हम खो जाते यार, हम तो बिरड़ गए होते इधर, मिलते ही नहीं हम। चल आग लगा, बोल दे क्या बोल रही थी तू, अभी नीचे पे क्या बोल रही थी वो बोला। मैंने क्या बोला? अरे बोला नहीं, बोला तो मैंने था। अच्छा तूने बोला था, क्या बोला था? गधा वो नहीं, दूसरी बात। हाँ जी, तू क्या लुक दे रही, तू है गढ़वाली गधा? मैंने बोला कुछ? हाँ तो लुक क्यों दे रही, अगर तू लुक देगी तो मतलब तू गढ़वाली गधा, बात खत्म, पीरियड, बस। तो नए साल का दिन और कोहरा लगना चालू हो चुका है, ये देखो मुंह से बाहर भी निकलने लग गया है, हर बार का है, सर्दियाँ आ जाती है, इस बार तक कोहरा भी लगने लग गया है। मसूर के पर्वत दिखते थे यहाँ से, लेकिन अब वो भी नहीं दिख रहे हैं, बट यही तो सर्दी का बेनिफिट है। मस्त गरम गरम कपड़े पहनो, आग तापो, मस्त गरम रहो, और नए साल का अभी होने वाला है, अभी तो खैर काफ़ी टाइम है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि दादी और जा रहे हैं जल्दी ही ट्रिप पे, तो उन्हीं का डिस्कस चल रहा है कि वो कौन कौन से लोकेशंस पे जाने वाले हैं, कौन कौन से लोकेशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, वही डिस्कशन चल रहा है। चलते हैं जरा बातचीत करते हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं ये सब, अब भी उस समय बताएगा कि कहाँ कहाँ जाएंगे। हाँ भाई बता, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे बताना कहाँ कहाँ जा रहे है, कोई कुछ बताता ही नहीं है, किधर किधर जा रहे फिर? वो बता भाई कहाँ कहाँ जा रहे? हैप्पी पब्लिक स्कूल जा रहे, क्या धुआं लग गया भयंकर। तो भाई यहाँ पे कुछ खाने के लिए है ही नहीं बचा हुआ, तो मैं ही बना रहा हूँ अपने लिए फ्राइड राइस, मैं और हंसी, मैं भी, हाँ हम दोनों फ्राइड राइस खाने वाले हैं, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, डन हो गया जी। और भी उसने खैर मंदिरों के नाम बताए नहीं, लेकिन बहुत सारे फेमस मंदिरों में जाने वाले हैं वो, तो बहुत अच्छी ट्रिप होने वाली है। नहीं गिरता वो, कर दी नजर लगा दी, हाँ ठीक है, ओके सो लेट्स स्टार्ट। या वेरी गुड, चार बार करा आपने, जो भी अच्छा लगेगा। तो भाई साहब ये बन चुका है हमारा फ्राइड राइस, बहुत सटीक होगा कि खराब होगा पता नहीं है, पर फिलहाल के लिए माँ इसको रख, हमा इसको रख, चल फटाफट कटोरी पर, हाँ तीन के लिए रख, एक दो और सूरज नहीं खाता, ठीक है अब चाकते हैं फ्राइड राइस कैसे बनाया मैंने और इन दोनों में, हम वो देंगे क्या बोलते हैं रेट करेंगे हम फ्राइड राइस को। चल बहुत है, ये बच्चों के लायक नहीं है, ये ओल्डर कंटेंट है, बहुत बढ़िया, निकल जाओ मेरे घर से, कोकिला बहन, कोकिला बहन तू है, कोकिला बहन बनी हुई अभी से, राशि रसोड़े में को बता मुझे, जब मैं पोहे बना रही, जब मैं फ्राइड राइस बना रही थी रसोड़े में कुकर में चने उबाल रहे थे, जाओ फटाफट लेके आओ, क्या जाओ, अच्छा आ रहे, रख दिया, तू ये क्या कर रही बदतमीजी, हद हो गई ये, चलो भाई एक और लाऊंगी। भाई साहब क्या बनाई है मैंने रेसिपी अपनी, अगर इस पे थोड़ा सा वो होता ना सोया सॉस मजा आ जाता, नमक कम है माँ, नमक इसलिए कम है क्योंकि मैंने ये गाजर बाद में डाला ना, अगर मैं पहले डाल देता तो तब नहीं होता है,
ठीक है, चेक करते हैं कैसा बना हुआ है। लाओ भाई तू भी खाएगी? हाँ वो भी खाएगी, थोड़ा सा चाक ले। कुकर से चने निकाल दिए और कैसा है? कुकर गैस पर चढ़ा दिए। जैसे मैं बनाती हूँ वैसा नहीं है। हाँ पता है मुझे, तेरे से अच्छा है। मेरे से अच्छा नहीं है। कैसा है, नमक कम है? बढ़िया हो रहा है। देखा 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 मेरी रेसिपी भाई हो। अब समझ में आया भैया ने प्याज बाद में क्यों डाले। अदरक नहीं डालना था? अदरक नहीं डालना था? नहीं नहीं सब डाल दो। वो फ्राइड कर वो तो, जबकि मैंने और रिप्लाई दे वापस दे। कोई बात नहीं। हाँ अब क्या हुआ? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नई उम्मीद टू यू। आप सभी को नए साल की मुबारकबाद। ओ चल आशीर्वाद दे मेरे से। वेरी गुड, जीते रहो, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यार नानी भी है। हैप्पी न्यू ईयर। सासी बढ़िया है। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल चैनल चल जाए ऐसे बोले, पहले इस साल तो चल जाए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नौकरी लग जाए बस नौकरी। अरे यार ऐसा बोलो, पैसा आए हैं करोड़ करोड़। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। कर दिया उसने, कर दिया उसने, बहुत समझदार बच्ची हो। तो भाई साहब ये जा रहे हैं, 12 बजते ही इन्होंने तय किया कि अब ये भाग जाएंगे यहाँ से। बताओ ऐसे ऐसे तो है हीरो। ओके गाइस टाटा, ठीक है। सब नया साल खतरनाक, कोहरा तो भयंकर हो गया भाई अब, जैसे कि देख ही सकते हो कैमरा में। ओके गर्ल्स, ओके गाइस, चलो ठीक है, नए साल की बधाई। कल आ जाना फिर सुबह। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सबूता नया साल बधाई, ठीक है। साहु जी का नाम टू यू, अबे टू यू क्या हुआ? वो काट दूंगा। चल ठीक है, ओके बाय। तो भाई 2023 को बाय बाय करके अब पहुंच चुके हैं हम 2024 में, और इसी के साथ आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला 2023 में, और सीखने को ही मिला है, कुछ ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बट खैर 2024 अपना है, आगे की बातें अगले ब्लॉग में करूँगा। फिलहाल के लिए अभी चलता हूँ, ज़रा जल्दी सुबह जल्दी उठना है और थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर कोहरा बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदारों के साथ। कमेंट डाउन बिलो अपने विचार। बाकी सब्सक्राइब करो फारजोन को, और मैं मिलता हूँ, हम मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग्स में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बाय, और हैप्पी न्यू ईयर।